बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का काव्य खंड की कविता कविता के बहाने ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने कविता लिखी है। इससे पहले, कविता को शुरू करने से पहले, हम इनके लेखक के बारे में कुछ जानकारी देखें, इनके परिचय के बारे में जानें। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो 1956 में आई है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये इनके काव्य संग्रह हैं, आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले इनकी समीक्षा है, मेरे साक्षात्कार सामान्य। इन रचनाओं के अलावा इन्हें जो कुछ मुख्य पुरस्कार मिले हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतने सारे पुरस्कार पाने वाले ये कवि अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रतिभा रहे हैं, और इन्होंने इनकी जो भी कविताएं लिखी हैं वो बहुत ही संवेदनशील लिखी हैं। लेकिन आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं इनकी, वो कविता संग्रह से ली गई है। उस कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। सबसे पहली चीज कि इस कविता को लेने और बताने की सबसे पहले जरूरत क्या पड़ी। आज के समय में कविता के बहाने ये कविता इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रही है कि आज हम लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कविता हमारे कैसे उपयोगी है, कविता क्यों ज़रूरी है, कविता हमारे कैसे काम आ रही है, और हम कविता को क्यों लिखें, हम कविता को क्यों पढ़ें, कविता हमारे लिए क्या महत्व रखती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए ये कविता के बहाने शीर्षक की जो कविता है उसे आज हम पढ़ें। हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ कवि आपको कविता की तुलना चिड़िया से कर रहा है। वो बता रहे हैं कि चिड़िया जिस प्रकार से आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ती है, उसी प्रकार से कविता भी अपने आप में स्वतंत्र होती है और चिड़िया की तरह कहीं भी जा आ सकती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। दूसरी बात कवि ये भी कह रहे हैं कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं समझ सकती। अब कैसे नहीं समझ सकती, चिड़िया भी उड़ती है, कविता को भी कह रहे हैं कि वो भी चिड़िया की तरह उड़ती है, लेकिन चिड़िया का जो उड़ना है वो सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। आगे कवि ने ही बताया है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, मतलब चिड़िया उड़ती है जब भी, चिड़िया कहाँ उड़ती है, या तो बाहर उड़ेगी, घर के आंगन में उड़ेगी, कभी घर के अंदर भी आ जाएगी, कभी खुले आसमान में उड़ेगी, कभी यहाँ उड़ेगी, कभी वहाँ उड़ेगी, कभी इस घर मतलब इस घर की छत पर उड़ेगी, कभी उस घर यानी उस घर की छत पर उड़ेगी। इस प्रकार से कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया के ही समान होती है। जिस प्रकार से चिड़िया को बताया है बाहर भीतर, इस घर, उसी प्रकार से कविता भी कहीं भी उड़ सकती है, कविता कहीं भी जा सकती है। आप घर के भीतर भी कविता का पाठ कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो, इस घर में भी कर सकते हो, उस घर में भी कर सकते हो, कहीं भी आप कविता पहुंच सकती है आपकी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है वो कविता जिस प्रकार से पंख लगा कर उड़ती है उस प्रकार से चिड़िया नहीं उड़ सकती। जहाँ जहाँ चिड़िया नहीं जा सकती है, कविता उन सभी जगहों पर जा सकती है। इसी प्रकार से चिड़िया की तुलना जब कविता से करी है तो चिड़िया की उड़ान सीमित है और उसके मुकाबले कविता की उड़ान असीमित है। वो बहुत दूर दूर तक, और जहाँ चिड़िया ना जाए वहाँ वहाँ भी कविता की उड़ान होती है। अगली पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब कविता की तुलना यहाँ फूलों से की जा रही है, क्योंकि एक कवि अपनी कविता में फूलों का वर्णन कर सकता है, फूलों को खिला सकता है। कवि के शब्द
फूलों को मुरझा सकते हैं, फूलों को खिला सकते हैं, फूलों की खुशबू ला सकते हैं, ये सारे ही रूप फूलों के कवि अपनी कविता में दिखा सकता है, आपको बता सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, मतलब कविता फूलों की तरह ही खिलती है और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन साथ ही कवि फिर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फूल खिलता है लेकिन फिर भी वो कविता की तरह नहीं खिल सकता। क्यों नहीं खिल सकता कविता की तरह? क्योंकि फूल कहाँ खिलते हैं? फूल बाहर खिलते हैं, भीतर खिलते हैं, इस घर में खिलते हैं, उस घर में खिलते हैं, मतलब फूलों का खिलना निश्चित स्थान पर है। आपके आंगन में खिलेंगे, आपके आंगन के बाहर खिलेंगे, बगीचों में खिलेंगे, बगियाओं में खिलेंगे, रोडों के आसपास खिलेंगे, जंगल में खिलेंगे, इसके बाहर कहीं उसकी कोई जगह नहीं है, इसके बाहर उसकी कोई सीमा नहीं है जहाँ फूल खिल सके। लेकिन कविता का खिलना वो सब दूर है, आपके मन के भीतर है, बाहर के जगत में है, आपके आत्मा में आप फूलों कविता का खिलना है, बाहर की दुनिया के साथ आप कविता को खिला रहे हैं, आपके घर में कविता खिल रही है, बाहर खिल रही है, संगोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में, इस देश में, उस देश में, सारी सीमाओं के पार कविता खिल रही है। अगली पंक्ति कवि क्या कहते हैं? बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। साथ ही फूल की एक सीमा और बता दी है कवि ने कि फूल को आखिर मुरझाना पड़ता है, खिलने के बाद तब तक ही फूल का महत्व होता है जब तक वो खिला रहता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, लेकिन जब वो मुरझा जाता है उसका महत्व खत्म हो जाता है। कविता एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा आत्मीय सुख है जो कभी मुरझाता नहीं है, कभी खिलना बंद नहीं होता है। कविता कितनी भी पुरानी हो जाए, पुरानी होने के बाद भी वो अपने महत्व को बनाए रखती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, कविता जितनी पुरानी होती है उसकी महक उतनी गहरी और उतनी ही सभी को मोहित करने वाली होती है। इसके आगे की पंक्तियों को हम देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। अब कविता की तुलना यहाँ खेल से की गई है, और खेल किसका? बच्चों का खेल। मतलब जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खेलती है। फिर कविता कहाँ खेलती है? बाहर भीतर, यह घर वह घर। जैसे बच्चे कहाँ खेलते हैं? हमारे घर में खेलेंगे, हमारे घर के बाहर खेलेंगे, पड़ोसी के घर में खेलेंगे, इस घर खेलेंगे, उस घर खेलेंगे। बच्चे कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, उनमें कोई बंधन नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। इस प्रकार से यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने हैं। यहाँ पूर्ण रूप से कवि को संतुष्टि मिली है कि कविता की तुलना वो बच्चों के खेल से कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से बच्चों का खेल बिना रोक टोक के चलता है उसी तरह से कविता का खेल भी बिना रोक टोक के चलता है। उसको कोई सीमा कोई बंधन नहीं रोक सकता है और कविता निर्बाध रूप से चलती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से कवि ये बताना चाहता है, जैसे बच्चों का बचपन बहुत मासूम होता है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनके भोले मन में कोई जाति पाति धर्म रंग किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, वो बिना भेदभाव के सभी को अपना लेते हैं और सभी के पास चले के सबके उनके हो जाते हैं। वैसे ही कविता भी ना किसी जाति धर्म किसी व्यक्ति किसी अमीर गरीब देश काल कोई भेद को नहीं मानती है कविता, और कविता को जो व्यक्ति अपनाता है कविता उसकी हो जाती है और कविता भी उस व्यक्ति को ही अपना लेती है। इस प्रकार से कवि ने इस कविता में कविता की तुलना चिड़िया से करी है, परंतु चिड़िया को सीमाओं में बांधा गया है, कविता की सीमा वहाँ भी नहीं है। फिर कवि ने उसकी तुलना फूलों से की है, पर फूलों की भी सीमितता होती है कि एक समय के बाद फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता वहाँ भी असीमित हुई है। कविता की महत्व बढ़ती ही रहती है, दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, और अंत में कवि को संतुष्टि मिली बच्चों के प्रेम के साथ, बच्चों के बिना भेदभाव वाले समानता वाले भाव के साथ। जिस प्रकार बच्चे बिना भेदभाव के प्रेम को सब दूर फैलाते हैं, एकता को फैलाते हैं, उसी प्रकार से कविता भी हमारे आज के समाज में बहुत प्रासंगिक हो गई है, बहुत आवश्यक हो गई है, इस भेदभाव को और इन दूरियों को खत्म करने के लिए।
आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।